Good morning students, our next topic is the states of water. In this topic we deal with the how many states of water are present. Water are present in the three states. Which is solid state, liquid state and a gaseous state. In a solid, water is present in the form of ice. In a liquid, water is present in a beverages. Gases in the form of water vapors तो तीन स्टेट्स में हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है फर्स्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैस इन द फॉर्म ऑफ आइस वेपरेटेड एंड द वाटर वेपर्स इसमें हम देखते हैं कि कैसे स्टेट्स चेंज हो सकती हैं वाटर की विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल टेक्निक्स या टेक्निक्स हिसाब से देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा मेल्टिंग का होता है मान लिया आपने क्या आइस के क्यूब्स लिए हैं आइस के टुकड़े हैं छोटे छोटे आइस के क्यूब्स हैं आइस के क्यूब्स लिए हैं उनको क्या है रूम टेम्परेचर पर रख दिया रूम टेम्परेचर तो धीरे धीरे क्या होगा मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगी तो वो मेन क्या है जब सॉलिड जब वाटर इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म एंड पुट इन अ रूम टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इनटू एज अ लिक्विड स्टेट तो उसको क्या बोलूंगा मैं मेल्टिंग बोलूंगा जब सॉलिड स्टेट का वाटर सॉलिड स्टेट मतलब आइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी एट अ रूम टेम्परेचर लिक्विड वाटर तो इसको क्या बोलूंगा मेल्टिंग क्या बोलूंगा मेल्टिंग मेल्टिंग का पिघलना पिघल जाएगा नेक्स्ट आता है बॉइलिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ बॉइलिंग व्हाट इज अ बॉइलिंग बॉइलिंग क्या होता है जब किसी भी लिक्विड स्टेट के वाटर लिक्विड वाटर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ ये वेपर फॉर्म में हो जाता है वेपर फॉर्म या मैं स्टीम बोल सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग बॉइलिंग क्या होता है जब कोई भी वॉटर वॉटर क्या है जब वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है स्टार्ट ऑफ बॉइलिंग और मेक अ स्टीम इज अ कार्ड ऑफ बॉइलिंग नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है यहां पे फ्रीज फ्रीज फ्रीजिंग क्या होता है फ्रीज करना किसी चीज को फ्रीज करना मतलब जमा देना फ्रीज करना कैसे जब वाटर को लो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या शुरू करता है वाटर फ्रीजिंग और इसकी फॉर्म में स्टार्ट हो जाए आइस फॉर्म में कन्वर्ट होता है व्हेन अ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस फॉर्म इज कॉल्ड अ फ्रीजिंग तो हमारे जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट हमारा है वेपराइजेशन व्हाट इज वेपराइजेशन फॉर्मेशन ऑफ वेपर
formation of vapors from water is called vaporization. The process by which vapors form from a water is called a vaporization. जब हम किसी water को boil करते हैं तो vapors form करता है, तो क्या होता है? Vaporization. Vaporization से क्या है यहाँ पे formation होती है इसकी rain की. उसके बाद आते हैं आपको point condensation. When water vapors cool down and convert into water, जब water vapors को cool down किया जाता है और वो किसमें convert हो जाता है? Water में. So this process is called condensation. So our topic of states of water is completed here. So thank you very much.